राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एम्बेसी यानी कि दूतावास क्या होता है, एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं यानी कि क्या अंतर होते हैं। अगर आप ये सभी चीज़ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि दूतावास क्या होता है और दूतावास का काम क्या होता है यानी कि एम्बेसी क्या होता है एंड इसका क्या वर्क होता है। एम्बेसी या दूतावास किसी देश में किसी दूसरे देश का वो इमारत या जगह है जो उस बाहरी देश के प्रतिनिधि का काम करती है यानी कि उसके रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है। किसके? जिस कंट्री की एम्बेसी है उस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है। ये एक तरह से दो देशों के बीच बातचीत का आसान जरिया है। एम्बेसी में कई अधिकारी तैनात होते हैं जो अपने देश के प्रतिनिधि का काम करते हैं। इन्हें राजदूत या एम्बेसडर कहते हैं। इनके बयानों का काफ़ी महत्व होता है यानी कि इनके जो बयान होते हैं किनके? एम्बेसडर के, राजदूत जो होते हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। ये कई तरीके के काम करते हैं, जैसे जिस देश में वो रह रहे हैं उनके साथ अपने देश के किसी नेता की मीटिंग करवाना। किसी संधि के दौरान भी ये लोग बहुत बड़ा ही रोल निभाते हैं। साथ ही ये उस देश में बसे नागरिकों की भी मदद करते हैं यानी कि उनकी हेल्प करते हैं। जैसे अमेरिका में बसे भारतीयों के लिए, हमारे इंडियंस के लिए उस स्टेट की इंडियन एम्बेसी ज़िम्मेदार होगी। वीज़ा जैसे मामलों में भी ये काफ़ी मदद करते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो ये दो देशों के बीच यानी कि टू कंट्रीज़ के बीच एक पुल की तरह यानी कि ब्रिज की तरह काम करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास यानी कि एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास एक विदेशी देश में यानी कि एक फॉरेन कंट्री में सरकारी प्रतिनिधित्व का उल्लेख करते हैं। एक देश का दूसरे देश में केवल एक दूतावास होगा यानी किसी कंट्री का किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में यानी किसी विदेशी देश में केवल एक ही एम्बेसी होगा, केवल एक ही दूतावास होगा। जबकि विभिन्न शहरों में उसके कई वाणिज्यिक दूतावास होंगे यानी कि उस कंट्री में उसके जो कॉन्सुलेट्स हैं यानी कि जो वाणिज्यिक दूतावास हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर यानी कि आवश्यकता पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए इस चीज़ को एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे इंडिया का जो एम्बेसी है यानी कि जो दूतावास है वो USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ही है, लेकिन इंडिया के जो कॉन्सुलेट्स हैं यानी कि जो वाणिज्यिक दूतावास हैं वो एक से ज़्यादा भी USA में होंगे। इसी तरीके से USA का जो एम्बेसी है वो इंडिया में एक ही है, लेकिन जो उसके कॉन्सुलेट्स यानी कि जो वाणिज्यिक दूतावास हैं वो एक से ज़्यादा भी इंडिया में होंगे। आई होप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्तों समझते हैं कि इसके दूसरा अंतर क्या है। दूतावास स्थायी राजनयिक मिशन होते हैं जो आमतौर पर किसी कंट्री की राजधानी में स्थित होते हैं। वाणिज्यिक दूतावास केवल बड़े शहरों में स्थित हैं, राजधानी में नहीं। यानी कि जो एम्बेसी होता है वो किसी देश का किसी फॉरेन कंट्री में उसकी कैपिटल यानी कि उसकी राजधानी में स्थित होता है, लेकिन जो वाणिज्यिक दूतावास यानी कि जो कॉन्सुलेट्स होते हैं वो उस देश के बड़े बड़े शहरों में स्थित होते हैं, ना कि राजधानी में। आई होप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। राजदूत अपनी सरकारों के प्रवक्ता होते हैं। दूतावासों की यानी कि एम्बेसी की व्यापक भूमिका होती है और वे दूसरे देश में अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दूतावास मुख्य रूप से मेजबान देशों के साथ राजनीतिक और राजनयिक संबंधों से निपटते हैं। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो एम्बेसी होता है यानी कि जो दूतावास होता है ये मुख्य रूप से जो होस्ट कंट्रीज होते हैं यानी कि जिस कंट्री में एम्बेसी है उसके राजनीतिक और राजनयिक संबंधों से निपटते हैं यानी कि उसके पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन से निपटते हैं। दूतावास उस देश में रहने वाले नागरिकों के कल्याण की देखभाल भी करते हैं। वाणिज्यिक दूतावासों का मुख्य कार्य व्यापार को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध बनाए रखना यानी कि संबंध स्थापित करे रखना। इसके अलावा वाणिज्यिक दूतावास वीज़ा पासपोर्ट से संबंधित मुद्दों को भी संभालते हैं और पर्यटकों और प्रवासियों को भी संभालते हैं। वाणिज्यिक दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट्स की प्रमुख भूमिका व्यापार को बढ़ावा देना है। जैसे मेजबान देश में यानी कि होस्ट कंट्री में कंपनियों को अपने देश में निवेश करने में मदद करना, या फिर इसके विपरीत यानी कि अपने देश की कंपनियों को जिस देश की वो एम्बेसी है उस देश की जो कंपनियां हैं वो होस्ट कंट्री में निवेश कर सकें उसमें मदद करना, उसमें हेल्प करना। ये दोनों देशों यानी कि उन टू कंट्रीज़ के बीच आयात और निर्यात की सुविधा भी प्रदान करता है यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की फैसिलिटी भी प्रदान करता है। दूतावास अपनी सरकार को मेजबान देश में यानी कि होस्ट कंट्री में होने वाली सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य, आर्थिक और अन्य घटनाओं के बारे में सूचित करते हैं यानी कि जानकारी देते हैं, जबकि वाणिज्यिक दूतावास महत्वपूर्ण मौतों, जन्मों, विवाहों और अन्य घटनाओं के बारे में अपनी सरकार को रिपोर्ट करता है।
दोनों देशों के बीच यानी कि उन टू कंट्रीज़ के बीच संधियां तैयार करने और आधिकारिक यात्राओं की व्यवस्था करने के लिए भी दूतावास यानी कि एम्बेसी जिम्मेदार है। वाणिज्यिक दूतावास यानी कॉन्सुलेट अपने नागरिकों को सभी सुरक्षा मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए भी जिम्मेदार होता है यानी कि रेस्पॉन्सिबल होता है। वाणिज्य दूतावासों को हिरासत या गिरफ्तारी के मामले में अपने नागरिकों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। आई होप आपको एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट यानी कि दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास में अंतर समझ में आए होंगे, डिफरेंसेस आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड हर एक वीडियो को आप देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।